अपराधियों के खिलाफ जनपद में पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि 4 वर्षों में 30 अपराधियों से लगभग 84 लाख की वसूली की जा चुकी है। करीब 1250 अपराधियों को गैंगस्टर के मुकदमे में जेल भेजा जा चुका है। इसके अलावा 116 अपराधियों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है तथा 300 के करीब अपराधियों को जिला बदर किया जा चुका है। एसएसपी ने बताया कि पिछले 4 वर्षों में करीब 18 एनकाउंटर किए गए हैं, जिसमें बदमाशों को गोली लगी है, जिसमें 3 की मौत हो चुकी है। इसके अलावा ऑपरेशन हंट अभियान के तहत 150 टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई किए जाने के लिए सभी सीओ को निर्देशित किया गया है। एसएसपी ने बताया कि ऐलान जुर्म के तहत अपराधियों के घर पुलिस डुगडुगी बजाकर लोगों को अपराधियों के प्रति सचेत करेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, जिसमें पिछले 4 वर्षों में 30 अपराधियों से 84 करोड़ की वसूली की गई है। धारा 14(1) गैंगस्टर के अंतर्गत, साथ ही करीब 1150 अपराधियों को गैंगस्टर के मुकदमों में जेल भेजा गया है, जो कि 283 गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज हुए हैं। करीब 1700 के करीब गुंडा की कार्रवाई हुई है, जिसमें करीब 300 लोगों को जिला बदर करवाया गया है। और इसमें पिछले 4 सालों में 18 के करीब एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 18 अभियुक्तों को गोली लगी है। इसके अलावा 3 अभियुक्त थे जिनकी पुलिस की कार्रवाई में मृत्यु हो गई एनकाउंटर में। और इसमें लगातार अपराधियों के विरुद्ध हमारा अभियान जारी है। इसी की कड़ी में हमने अभी ऑपरेशन हंट लॉन्च किया है एडीजी गोरखपुर महोदय के निर्देशानुसार, जिसमें कि जनपद गोरखपुर के हमने टॉप 150 अपराधियों को चिन्हित किया है और प्रत्येक एडिशनल एसपी को हमने इसका प्रभारी बनाया है। उद्देश्य यह है कि यह जनपद के टॉप 150 अपराधी जो हैं, ऑपरेशन हंट के दौरान इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, ये वांछित हैं तो इनको पकड़ के जेल भेजा जाए और ये वर्तमान में क्या गतिविधि कर रहे हैं उस पर कड़ी नज़र रखी जाए, इनकी हिस्ट्री शीट खोली जाए और जो अपराध में लिप्त हैं उनको जिला बदर करवाया जाए। तो ये हमारा लगातार अभियान अपराधियों के खिलाफ है। इसके अलावा हमने एक ऐलान जुर्म करके हमारा अपराधियों के विरुद्ध एक शुरू किया है कड़ी, जिसमें कि इस कार्यवाही में जो अपराधी पूर्व में अपराध कर चुके हैं, इनके गांव इनके मोहल्ले में जाकर पुलिस द्वारा ऐलान किया जाएगा इनका आपराधिक इतिहास का, और आसपास के लोगों को सचेत किया जाएगा, उनसे सहयोग मांगा जाएगा। जो भी जानकारी देता है ऐसे अपराधियों के विरुद्ध, उनसे सहयोग की मांग की जाएगी और ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।